हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आप कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उस कार्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप में से जो लोग कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं देखना चाहते रीडिंग को, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करें जिस ऑप्शन के आगे आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करते हो, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या कार्ड के अकॉर्डिंग। ये वाली कार्ड जो है ऑप्शन नंबर वन के लिए है। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रही है, इसको आप सेलेक्ट करके रीडिंग को देख सकते हैं। और ये वाले कार्ड जो है वो थर्ड ऑप्शन के लिए है। तो ये रहे आपके तीन ऑप्शंस। जो ऑप्शन आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दोस्तों ये जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जितनी रेजोनेट होगी आप उतनी रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होगी उसे आप जाने दे सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप कभी भी देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं ये रीडिंग आप सभी के लिए है। इस रीडिंग को आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखना चाहते हैं देख सकते हैं, आप सेकंड मैरिज के लिए देखना चाहते हो देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो या री मैरिजेस के लिए देख रहे हो, आप सभी के लिए है। सो आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अभी आपकी रीडिंग। ऑप्शन नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपकी है। इस कार्ड के ऊपर में मैसेज है योर पैशन इग्नाइट्स, ओके, ट्विन फ्लेम्स। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम का मैसेज मुझे बता रहा है, हो सकता है कि ये जो पर्सन है कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम होंगे। ठीक है, एंड इस पर्सन के साथ आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करोगे, ये पर्सन आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ठीक है, काफ़ी कुछ इस पर्सन से आप सीख रहे हो। ऑल्सो जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है आप लोगों के बीच में, ओके, बट कहीं ना कहीं वो डिफ़िकल्टी आपको आपके बेटर वर्जन में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि इस पर्सन की वजह से आपके अंदर काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, दैट कैन बी अ डिफ़िकल्ट वन, थोड़े डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, बट अल्टीमेटली वो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ट्विन फ्लेम है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में एंड देखते हैं कि आपके शादी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। आप किसी टॉपिक को रिक्वेस्ट करना चाहते हो, आपके पास कोई सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक पर रीडिंग बना के इस चैनल पे ला सकूं। पेशेंस एंड प्लानिंग, अवेयरनेस, ओके। सो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मूविंग ऑन का भी कार्ड है, तो ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी वेट करने के बाद मिलेंगे। ठीक है, इंतज़ार करने के बाद मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्ट कर रहे होगे, या किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में प्लानिंग कर रहे होगे। यहाँ पे पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड आया है। ठीक है, तो किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, जॉब के लिए वेट कर रहे हो, करियर के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट प्लान कर रहे हो। ठीक है, तो उस टाइम पे ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड है और मूविंग ऑन का भी कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी कोई पास्ट की रिलेशनशिप खत्म हुई है एंड आप किसी न किसी तरह से अवेकनिंग से गुजर रहे हो, या आपके अंदर कुछ न कुछ बदलाव आ रहे हैं, किसी तरह की सच्चाई आपको समझ में आ रही है कि इस पर्सन ने आपको इस तरह से डील किया एंड उसकी सच्चाई कुछ और थी। तो इस तरह की कुछ बातें आपको पता चल रही होगी एंड इस वजह से आप अपने अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव लेके आ रहे होगे। देन उस टाइम पे, उस फेज़ में ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर वो चीज़ें दिखती है एंड ऐसा हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में 8 मंथ्स का एज गैप हो सकता है। ठीक है, 8 मंथ्स फॉर सम ऑफ यू, 8 ईयर्स का एज गैप या एज डिफरेंस हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे आप मेडिटेशन, योगा, मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हो,
एंड हो सकता है किसी गुरु को फॉलो कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं लाइफ की जो सच्चाई है, अपनी जो सच्चाई है, उस चीज़ को जानने की कोशिश आप कर रहे होंगे, ठीक है। इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकल के आपकी जो रियल लाइफ पर्पस है, कहीं ना कहीं उससे आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो उस फेज में ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ठीक है। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न कैन बी इंपॉर्टेंट, दिस पर्सन कैन बी सन मून राइज इन कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल। एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। सम वेयर आई कैन सी कि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं कोई डिफिकल्ट फेज खत्म हो रहा होगा, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हो एंड प्लान कर रहे हो। यहाँ पे मैसेज है लाइक द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, कोई टफ साइकिल आपके लाइफ से खत्म हो रहा होगा, किसी चीज़ से आप बाहर आ रहे होगे, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। उस टाइम पे मे बी आप अपने आप को और कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी हिम्मत को एक साथ जोड़ रहे हो ताकि अपने लाइफ में आप सक्सेसफुल हो सके, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ सके। ये जो डिफ़िकल्टी आपने फेस की होगी उससे बाहर निकलने की कोशिश आप कर रहे होगे, देन उस फेज में ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन लियो, उल्टा भी हो सकता है, लियो हो सकते हैं ये एंड आप कैप्रिकॉर्न, वाइस वर्सा वो भी चीज़ें हो सकती हैं। लेट मी सी ये पर्सन आपके लाइफ में क्या लेके आएंगे, ठीक है। इस पर्सन का आपके लाइफ में आना क्या चीज़ें ऐड करेगा। इमोशंस आर रनिंग हाई, ओके। एंड यहाँ पे है द किंग। आज आपकी रीडिंग करने से पहले मैंने यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस पहले से सोच के नहीं रखा है। जो भी मैसेजेस मुझे, जो भी क्वेश्चन चैनल्ड होंगे, ठीक है, मुझे जो भी क्वेश्चन फील होगा आपके लिए पूछना आपकी मैरिज से रिलेटेड, वही क्वेश्चंस मैं पूछूंगी और उसी को मैं आपको यहाँ पे बता। तो पहले से मैंने कुछ भी यहाँ पे सोच के नहीं रखा है किसी भी क्वेश्चन को। मुझे यहाँ पे आपकी रीडिंग करते वक्त जो भी चैनल्ड होंगे वो भी वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बताऊँगी, ठीक है। एंड यस, एक क्वेश्चन जो कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज से रिलेटेड है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को रिवील करूँगी, ठीक है। सो आप लोगों के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में लेके आएंगे, इमोशंस आर रनिंग हाई एंड द किंग, ओके। किंग मुझे यहाँ पे बता रहा है समवेयर ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जिस चीज़ को लेके आप परेशान हो, उस चीज़ को लेके उस चीज़ का सोल्यूशन इस पर्सन के पास हो, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो द किंग मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत ही आसानी से वो प्रॉब्लम्स जो आपके लाइफ में है उसको ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स निकलने में आपको हेल्प कर रहे हैं, या आपको काफ़ी इस पर्सन के साथ आके एक स्ट्रेंथ मिल रही है, हिम्मत मिल रही है, ठीक है, गाइडेंस मिल रही है, और आपको इससे बात करके काफ़ी अच्छा फील होगा। इमोशंस आर रनिंग हाई समवेयर बता रहा है, जब आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो देन ये पर्सन आपको वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो समवेयर आपको इस पर्सन से फील होगा लाइक ये आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्टर की तरह हैं, ठीक है। किंग हम जैसे किंग होता है, ठीक है, लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों के बारे में अच्छा सोचना, तो ये पर्सन आपके लाइफ में वही गाइडेंस, वही हेल्प, वही सपोर्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इमोशनली अपने आप को स्टेबल नहीं फील कर पाते हो, या समवेयर आपको फील होता है कि अपने इमोशंस को आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, देन इन दैट केस ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी मदद कर रहे हैं उस चीज़ में, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। नाउ चलिए हम देखते हैं कि इस पर्सन और आपका जो कनेक्शन है वो कैसा रहेगा, आपका आपके स्पाउस के साथ जो रिलेशन है वो कैसा रहेगा। वाओ, वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, नाइन ऑफ कप्स, आपका आपके स्पाउस के साथ जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा। हमारे पास यहाँ पे कार्ड है वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स, ठीक है।
तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड, 9 ऑफ कप्स। आप लोगों ने ऑलरेडी एक इमेज बना रखा है आपके दिमाग में कि आपके स्पाउस के साथ आपका कनेक्शन इस तरीके का होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए आपके स्पाउस में, आपके स्पाउस आपको ऐसे ट्रीट करें, आपको जब भी ज़रूरत हो वो आपके लिए खड़े रहें। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दैट ऑलरेडी आपने कुछ ना कुछ अपने दिमाग में इमेज बना रखा है, विश मांग रखा है यूनिवर्स से। सो यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है दैट योर विशेज़ विल बी फुलफिल्ड। आपकी जो भी विशेज़ है, आप जैसा भी कनेक्शन चाहते हो, वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ है, इट मीन्स दैट वो रिलेशन जो आप चाहते हो हमेशा से अपने स्पाउस के साथ, वो विश आपकी फुलफिल्ड होगी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी हैव वेट, डोंट रश इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। बता रहा है यहाँ पे कि जो आपके स्पाउस के साथ आपका जो रिलेशन होगा, आपका जो कनेक्शन होगा, उसको आपको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे ट्विन फ्लेम का जो मैसेज है वो बता रहा है दैट ये कनेक्शन बहुत ही स्मूथली ग्रो नहीं करेगा, देयर विल बी सम अप्स एंड डाउन्स होंगे आप लोगों के बीच में। उस टाइम पे आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, नेचर पे भरोसा करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पे भरोसा करने की ज़रूरत है। एंड आप कहीं पर भी इस कनेक्शन में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। ठीक है, आपको टाइम देना होगा इस कनेक्शन को ग्रो होने में। तो यस, आपकी विश फुलफिल होगी, बट समवेयर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब आपको ये दिखे कि ये पर्सन वही है या ये कनेक्शन वैसा ही है जैसा आप चाहते थे हमेशा। ठीक है, तो आपकी रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेट मी सी और हमें क्या पता चलता है। वी हैव द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वैंड्स, वाओ, फोर ऑफ वैंड्स। तो ये जो कनेक्शन है मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक इस पर्सन से आप वर्क प्लेस पे मिल सकते हो, एंड हो सकता है आप इस पर्सन से काम की जगह पे मिले हो। इवन यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स बता रहा है आप जो भी काम करते होगे, मे बी आप एक टीचर हो, मे बी आप एक एस्ट्रोलॉजर हो सकता है टैरो रीडर हो, रेकी हीलर, कुछ भी है, आप जो भी काम करते हो उस काम को लेके इस पर्सन का अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा होगा। एंड नॉट ओनली दैट, वी हैव द हाई प्रिस्टेस कार्ड, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी जो पर्सनालिटी है उसको देख के हमेशा ही मेस्मराइज्ड होंगे। ठीक है, आपके अंदर एक अलग सी बात इसको नज़र आएगी और हर दिन कुछ नया, मे बी आपने कुछ बोला, कुछ आइडिया दिए, कुछ सजेशन दिया, तो इसको लगेगा इस पर्सन को, आपके स्पाउस को, कि आपके दिमाग में वो बातें कहाँ से आती हैं। ठीक है, सो देयर विल बी लॉट ऑफ अट्रैक्शन। ये पर्सन आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, उस चीज़ से काफ़ी अट्रैक्टेड रहेंगे। ऑल्सो आपकी आईज़ इस पर्सन को काफ़ी पसंद होगी, वो यहाँ पर नज़र आता है। फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बता रहा है जो आपकी मैरिज होगी वहाँ पर आपकी फैमिली की प्रेजेंस होगी, आपकी फैमिली इस मैरिज में काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होगी। ठीक है, लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन, लॉट्स ऑफ अरेंजमेंट आपकी फैमिली की तरफ से कराए गए होंगे, और आपकी मैरिज में वो लोग भी आएंगे जिनसे आपने बहुत दिनों से बात नहीं की है। तो आपके दूर दूर के रिलेटिव्स जिनसे आप बहुत दिनों से नहीं मिले हो, वो सभी लोग आपकी मैरिज में इन्वॉल्व होंगे, सभी मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी मैरिज अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, व्हाट इज दैट। फिर से आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, वाओ, द फूल, 3 ऑफ वैंड्स। सो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ऑलरेडी मे बी आप किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, या कनेक्शन में नहीं भी हो, इवन इन दैट केस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हमें इस पर्सन से शादी करनी है, इस तरह के लोग से मुझे शादी करनी है। ठीक है, इट मीन्स दैट कि जो लोग रिलेशनशिप में है, मोस्टली मुझे फील हो रहा है कि आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, विश मांग रहे हो कि हमारी इसी से शादी हो जानी चाहिए। कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं, बहुत कम, ठीक है, बट वो लोग चाहते हैं यहाँ पे मेरी शादी इस तरह के पर्सन से हो। ठीक है, तो आपकी विश फुलफिल होगी। यहाँ फिर से 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि आपने जो भी विश मांगी है वो पूरी होगी, और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन से कि मेरी शादी इससे हो जानी चाहिए, देन डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी। तो आप लोगों के लिए जो शादी होगी आपकी लव मैरिज हो सकती है। ठीक है, एंड इवन इफ़ यू आर सिंगल तो आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी यहाँ पे अरेंज मैरिज होगी, और शादी जब होगी तो भी आपको लगेगा जैसे आपकी विश फुलफिल हुई है। ठीक है, एंड अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर्सन के साथ शादी, तो आपकी वो विश फुलफिल होगी। ठीक है, तो
तो यहाँ पर ये मैसेजेस आप लोगों के लिए दिखाए जा रहे हैं। मे बी आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। लेट मी सी कितना टाइम है आपकी मैरिज में, ठीक है, आपकी शादी में कितना टाइम लगेगा। नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वाओ, टू ऑफ कप्स। अगर आप सिंगल हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, देन विद इन फ्यू वीक्स आप किसी पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। एंड इफ यू आर इन रिलेशनशिप विद समवन एंड आप चाह रहे हो कि आपको कमिटमेंट मिले या शादी तक बात जाए या फैमिली से मिलवाया जाए, मतलब आपकी रिलेशनशिप में शादी वाली बात ऐड हो, ठीक है, देन यहाँ पर आप लोगों को 9 months तक टाइम लग सकता है, ठीक है, 9 months का टाइम लग सकता है। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है एंड यहाँ पे हायरोफंट है, ओके। सो मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है 1.5 year एंड 9 months आप लोगों के लिए टाइम है जब आपकी शादी हो रही है, ठीक है, 1.5 year एंड 9 months है जब आपकी शादी हो रही है। एंड इफ यू आर सिंगल देन विद इन फ्यू वीक्स आप किसी से मिलोगे, आपकी बातें होंगी, ठीक है, या फिर हो सकता है घर पे कोई प्रपोजल आ रहा है, सो दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी। एंड मैक्सिमम टाइम मैंने आपको बताया 9 months से 1.5 year का टाइम है बचा हुआ जब आपकी शादी हो रही है, ऑप्शन नंबर 1। एंड लेट मी सी मोर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। समवन कैन बी वर्गो, आपके जो स्पाउस है ही और शी कैन बी वर्गो, सन मून राइजिंग, दीज आर टू मेनी कार्ड्स। यहाँ पे कार्ड है व्हील, ओके, इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। इस टाइम पे मे बी आप फील कर रहे हो लाइक आपके लाइफ में जो एम है उससे आप भटक गए हो, इनडिसाइसिवनेस है तो डिसाइड नहीं कर पा रहे। सो आपके लिए जो कार्ड है यहाँ पे पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है, ओके, तो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि जब आप अपने लाइफ में पेशेंस रख के कुछ प्लान कर रहे होगे, ये इस एनर्जी से बाहर निकल रहे होगे, ठीक है। आपको जब फील हो गया होगा दैट आपकी भी लाइफ में आपका क्या एम है, उस टाइम पे इस पर्सन से आपका मिलना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे है समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन एंड समवन इज बिहेविंग स्ट्यूपिडली। ये 3 कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं दैट इस टाइम पे आपके लाइफ में कोई पर्सन है जिसको लेके आप काफ़ी परेशान हो, यू आर फीलिंग दैट कि आपके पीठ पीछे है वो पर्सन, बहुत ही ज़्यादा आपकी बुराई करता है, ओके, दैट पर्सन कैन बी समवन जो काफ़ी अग्रेसिव है, स्टबर्न है। सो राइट नाउ ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं दैट यू आर डीलिंग विद समवन जो कि जिनके साथ आप थोड़ा प्रॉब्लम फील कर रहे हो, ठीक है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, मे बी योर कलीग, मे बी समवन इन योर फैमिली और अ रिलेटिव और अ फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, ठीक है। एंड नाउ वी हैव डार्क मैन, तो जिनसे आपकी शादी होगी दैट पर्सन कैन बी अ डार्क मैन, ओके, ही इज़ हेयर और हर हेयर कैन बी डार्क, आइज कैन बी डार्क, ओके। सो डार्क मैन का कार्ड है, तो यहाँ पे डार्क मैन बता रहा है स्किन कॉम्प्लेक्शन कैन बी डार्क, आइज कैन बी डार्क, ओके। डॉग पार्किंग, यहाँ पे एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, ओके। सो इस टाइम पे मे बी इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद समवन, जिनके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो एंड आपको किसी से हेल्प की ज़रूरत है, यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम योर फ्रेंड, ओके, किसी पर्सन से आपको एडवाइस देने की ज़रूरत है। ऑल्सो यहाँ पे बता रहा है ये कार्ड लाइक आप मे बी आप किसी प्रॉब्लम में या आप इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी में हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को, देन उस टाइम पे आपकी फ्रेंड हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो इस पर्सन से आपका मिलवाना फ्रेंड के थ्रू हो सकता है। सो ये मैसेजेस है यहाँ पर आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग एंड द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, मुझे बताएं ज़रूर। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले सो दैट फ्यूचर में आपको और भी रीडिंग्स मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, दिस इज़ योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी, ठीक है। सो लेट मी सी क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके पास कोई रिक्वेस्ट है किसी टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हो देन उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए सो दैट उस टॉपिक पे मैं रीडिंग बना के इस चैनल पे लेके आ सकूं। आप मुझे बताएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में।
लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, दिस इज 5 ऑफ वैंड्स, दिस इज फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। ओके, लेट मी टेक वन मोर कार्ड। इमोशनल विथड्रॉल। सो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जैसे आप या तो फैमिली से नाराज हो, ठीक है, या फिर फैमिली में कुछ चैलेंजेस है, फैमिली में कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है इश्यूज चल रहे हैं इस टाइम पे, एंड यू आर फीलिंग वेरी लोनली, हेल्पलेस फील कर रहे हो, एंड आपको फैमिली से सपोर्ट चाहिए, बट हो सकता है फैमिली से नाराजगी है किसी तरह की, एंड राइट नाउ यू आर फीलिंग वेरी लोनली। ओके, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो बट उस चीज़ में फैमिली कुछ और चाहती है, ठीक है, करियर सिलेक्शन में हो सकता है आपके और आपकी फैमिली के बीच में मतभेद हो रहे हैं, दोनों मतलब आप और आपकी फैमिली जो है ना वो एक पॉइंट पे नहीं आ पा रही है, ठीक है। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, आपकी पहले ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और फिर वो किसी वजह से ख़त्म हो गई, एंड नाउ आपकी ये विश है कि आप सेकंड मैरिज करो, एंड आप जानना चाहते हो कि वो शादी आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है, एंड फैमिली में इस टाइम पे काफ़ी सिचुएशंस गड़बड़ दिख रहे हैं, लाइक फैमिली में टेंशन, फैमिली में लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टी रिलेटेड इशूज। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ तो नहीं बट रिलेटिव्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तभी आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई हुई है या कोई बात किसी की बुरी लगी हुई है, एंड यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड या थोड़ा बुरा फील कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो द पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आएंगे तो क्या सिचुएशन हो रही होगी। सेक्रीफाइस, 12 नंबर, मेमोरीज ऑफ लव एंड डिसरप्शन। ओके, ओके, ऑप्शन नंबर 2 मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे होंगे उस टाइम पे बहुत सडन चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे बदलाव देख रहे होंगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे अभी रहते हो उस टाइम पे आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, जॉब लॉस भी कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपने किसी जॉब को खो दिया है एंड जॉब सर्च कर रहे हो, बट यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही है दैट थोड़ा डिफिकल्ट टाइम होगा वो जब आपके लाइफ में ये पर्सन आ रहे होंगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बदलाव हो रहा है आपके लाइफ में, घर चेंज कर रहे हो, सिटी चेंज कर रहे हो, प्लेस आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, एंड ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के लिए कि कुछ लोग किसी और को लाइक करते हैं एंड सामने से फिर ये जो आपके स्पाउस है जिनसे आपकी शादी होनी है वो पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि वो अरेंज मैरिज की तरफ से आ रहे हैं या लव मैरिज हो रही है, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे आपके सामने और भी चॉइसेस हो सकती हैं जिनके बारे में आप मे बी किसी के साथ आप कनेक्शन फील कर रहे हो या किसी को लाइक कर रहे हो, एंड देन ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। तो जब ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे होंगे देन थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन आप देख रहे होंगे, ओके, एंड एज आई सेड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो रहा होगा कि आप किसी और को लाइक करते हो, ठीक है, स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं दिख रही है बट हो सकता है किसी को आप लाइक करते हो एंड तब ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपको दिखती है। ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, एंड वाटर साइन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। ओके, लेट मी सी ये पर्सन आपके लाइफ में क्या लेके आएंगे, ठीक है, आपके जो स्पाउस होंगे वो आपके लाइफ में क्या लेके आएंगे। क्रिएटिव एक्शन एंड ऑप्टिमिज्म, फायर फेरी का कार्ड है। आपकी जिनसे शादी होगी वो पर्सन आपके लाइफ में क्या लेके आएंगे। सो द वर्ल्ड द रियल यू, ओके, कम्युनिकेशन इसकी यहाँ पर भी है और इस वाले डेक में भी बॉटम में कम्युनिकेशन है। हो सकता है कि आपका जो काम है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, ये पर्सन हो सकता है, अगर आपका नहीं है देन ये पर्सन हो सकता है कम्युनिकेशन के फील्ड से हो,
ठीक है, आप लोगों की वैसे मुलाकात भी हो सकती है। एंड यहाँ पर ये पर्सन आपकी लाइफ में क्या लेके आएंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है समवेयर आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है, आप कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हो या किसी चीज़ में आप ट्राई करना चाहते हो, बट आप नहीं कर पा रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, खुद पर भरोसा नहीं है, या आपको लगता है कि ये काम तो कोई नहीं करता तो मैं कैसे करूँ, ठीक है, या बहुत सारे लोगों को सक्सेस नहीं मिली है तो मुझे कैसे मिल जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो सकती है। आई कैन सी कि ये जो पर्सन है आपके अंदर कुछ टैलेंट है उसको ये पर्सन पुश कर रहे हैं, आपको आपको कहीं ना कहीं इनकरेज कर रहे हैं कि आप ये काम करो, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है सो द वर्ल्ड द रियल यू, हो सकता है आप काफ़ी शर्मीले हो, कुछ करना चाहते हो, मे बी आप कुछ आर्टिस्टिक वर्क करना चाहते हो, मे बी आप डांसिंग करना चाहते हो, सिंगर हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये पर्सन ना आपको लाइफ को देखने के लिए, अपने आप को देखने का नज़रिया बदलने में हेल्प करेंगे, ठीक है। ऑप्टिमिज्म है तो आप अपने आप को कैसे देखते हो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलेगी, ठीक है। कुछ काम आप करना चाहते हो और उसे कर नहीं रहे हो बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो चीज़ें आप कर पाओगे इस पर्सन के आने से, ठीक है। सो द वर्ल्ड द रियल यू आई कैन सी ये बता रहा है आप लोगों के लिए कि ये जो आपके स्पाउस है वो आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करेंगे, बहुत पुश करेंगे कि आप वो चीज़ें करो जिसको आप वाकई में करना चाहते हो, ठीक है। सो आपके अंदर से वो टैलेंट, वो इच्छा बाहर आएगी एंड दिस पर्सन विल हेल्प यू अलॉट इन दैट, ठीक है, आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने में। कि आपको किसी चीज़ में पुश कर रहे हैं कि आपका अगर आपकी जो इच्छा है वो अगर है बिजनेस करने को, या कुछ करना चाहते हो, कोई स्टोर खोलना चाहते हो, कुछ भी है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप कर पाओगे। ये पर्सन आपको काफ़ी इनकरेज कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। लेट्स सी आपका इस पर्सन के साथ जो रिलेशन है वो कैसा होगा, ठीक है, आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो कैसी होगी, आपके स्पाउस के साथ जो बॉन्डिंग है वो कैसी रहेगी। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. Okay. And आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया है उस पर मैसेज है बैलेंस का। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रींग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो आपके रिलेशनशिप में जो होगी ना बैलेंस की बात की जा रही है, ठीक है, दोनों पर्सन समझेंगे कि हमें रिलेशनशिप में किस तरह से बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। अगर एक पर्सन बहुत गिविंग है तो दूसरे को भी ये समझ में आएगा कि आपको भी रिलेशनशिप को अगर अच्छा फील करवाना है, अपने पार्टनर को रिलेशनशिप को लेके चलना है, मजबूती लानी है रिलेशनशिप में, तो दोनों पर्सन को काम करना होगा, ठीक है। दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है, दोनों को रिस्पेक्ट करनी है, दोनों को एक दूसरे को समझना है, जब भी ज़रूरत है तो साथ में खड़े रहना है, उस तरह से बैलेंस बना के आप इस रिलेशनशिप को चलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेजेस है। ऑल्सो यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड है, ठीक है, तो हार्ट चक्र मुझे यहाँ पे बता रहा है कि अनकंडीशनल लव होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, नाराज़गी हुई भी तो आप लोग समझोगे कि किस तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, एंड गिविंग एंड रिसीविंग वो दोनों चीज़ें आप लोगों के बीच में इक्वल रहेगी, इक्वल गिव एंड टेक वो बातें रहेगी। हार्ट चक्र यहाँ बता रहा है कि प्यार बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, एंड यहाँ पर बताया रहा है दैट द आंसर dwells इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड फॉर द हार्ट इज़ द गेट वे टू द सोल। आप दोनों पर्सन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हो, ठीक है, एक दूसरे के इमोशंस को समझना, और जब भी आप लोगों का ऐसा टाइम आएगा जब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये जो प्रॉब्लम आई है आपकी मैरिज में या जो भी चैलेंज है उसको कैसे दूर करें, देन उस टाइम पर आप लोग अपने हार्ट की सुनोगे, ठीक है, दिल की सुनोगे आप भी और आपके पर्सन, एंड आपको जवाब मिल जाया करेंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, जब आप लोग नाराज़ होंगे तभी भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है कि आपके कनेक्शन से वो नाराज़गी चली जा रही है, ठीक है, तो एक कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, और आप लोग दिल की ज़्यादा सुनोगे, बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप दोनों पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। लेट मी सी व्हाट एल्स और क्या पता चल रहा है। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, द हैंगमैन,
पर्सन से आप किसी तरह के हॉस्पिटल में मिल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंड एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऐसा हो सकता है कि आप भी हॉस्पिटल में वर्क करते हो, ये पर्सन भी हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, एंड आप लोग वहाँ पे मिल रहे हो, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आती है, वर्क प्लेस पर मिलना, ठीक है। एंड एट नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मंथ ऑफ अगस्त कैन बी इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंड मैरिज के लिए आप देख रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन सिंगल है एंड आपकी शादी हो रही है, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है कि आपकी जो शादी होगी वो अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इंट्यूशन हाई प्रिस्टेस। ऑप्शन नंबर टू आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है ना कि आप किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहोगे, या किसी ना किसी ऐसे पर्सन को आप कंसिडर कर रहे होगे कि यही हमारे लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं, ठीक है। बट उस टाइम पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली की इंटरवेंशन होगी, या आपकी फैमिली बीच में आ रही है कनेक्शन में, और उनको पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो आपकी जो शादी होगी वहाँ पर आप लोगों की अरेंज मैरिज हो रही है, और उस चीज़ में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है उस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए, बिकॉज आपने किसी और को कंसिडर कर रखा है, या हो सकता है कि आप उस प्रपोजल से उतने खुश नहीं हो, बट आपके पेरेंट्स को पता होगा दैट वो कनेक्शन, वो पर्सन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी होगी, एंड ना ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा आपको इमोशनल होने की ज़रूरत है, बट अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। एंड इस ऑप्शन के लिए मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि आपकी शादी अरेंज मैरिज हो रही है, और देखते हैं क्या पता चलता है हमें। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे थ्रोन है, तो हो सकता है कि आपकी जिनसे शादी होगी वो पर्सन किसी बहुत ही हायर पोजीशन पे है। टाइम टू एक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके। हो सकता है कि आप किसी और पर्सन को समझ रहे हो कि वो पर्सन आपके स्पाउस बनने वाले हैं, ठीक है। एंड टाइम टू एक्ट है आप लोगों के लिए, लेट मी क्लेरिफाई दिस वन, अ मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, ओके। यहाँ पे है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, ओके। हो सकता है ये पर्सन लॉ में हो, आप लोग इनसे किसी तरह के कोर्ट में मिल रहे हो, या फिर ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं, और आपके पेरेंट्स हो सकता है इस पर्सन से कोर्ट में मिल रहे हैं और फिर वो पसंद आ रहे हैं, या ये पर्सन हो सकता है कोर्ट में वर्क करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों पर्सन का प्रोफेशन सेम है, ठीक है, और हो सकता है कि ये पर्सन जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से कोई पर्सन आपकी फैमिली मेम्बर को जानता हो एंड वो प्रपोजल लेके आ रहा है, वैसा पॉसिबल हो सकता है, वैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। एक्साइटमेंट, तो इस कनेक्शन में काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगा, आपके मैरिज में काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, स्पिरिचुअल गाइडेंस, यहाँ पे एंजल है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एंजल्स बता रहे हैं कि वो आपको गाइड कर रहे हैं सही रास्ते में, और आपके लिए जो भी सही रहेगा ना वो आपको देंगे, ठीक है, वो उस तरह आपको पहुँचा देंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी तरह के डेंजर से प्रोटेक्टेड हो, आपके साथ कुछ भी यहाँ पे बुरा नहीं होगा वो आपको बताया जा रहा है, सो आपको टेंशन नहीं लेना। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके, अगर आपकी सेहत ख़राब है देन डेफिनेटली आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे है लेट गो, अगर आप पास्ट में किसी पर्सन के लिए काफ़ी परेशान हो, पास्ट कोई एक्स, ठीक है, उनको लेट गो करने के लिए आपको कहा जा रहा है। बी असर्टिव, आपको अपने कनेक्शन में क्या चाहिए, मैरिज में क्या चाहिए आपको क्लियरली पता होना चाहिए, उसे बोलना सीखे, ठीक है। रिकंसिडर, अगर आप किसी को सोच रहे हो देन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है एक बार फिर से सोच ले कि वो पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, ठीक है, या कोई डिसीजन लेने वाले हो वो सोचे।
आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से पूछें और आपके एंजल्स यहाँ पे फिर से आपके लिए एंजल का मैसेज है, ओके एंजल्स और आस्क योर एंजल, आपके एंजल्स आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं, ठीक है। देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू कनेक्ट विद देम, आपको अपने एंजल्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और आपके मन में कोई भी सवाल है मेडिटेशन करते वक्त उनसे पूछ सकते हो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। राइट नाउ आपको ये कह रहे हैं कि और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करो, आप कुछ सोच रहे हो और डिसीजन लेने वाले हो या किसी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, रिकन्सिडर, फिर से सोचें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, ठीक है, ताकि आपको सच्चाई पता हो सिचुएशन के बारे में। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, आपको अच्छी लगी है मुझे बताएं ज़रूर। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग, आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है, दिस इज़ योर रीडिंग। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी, अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, ठीक है। अगर आपके पास किसी टॉपिक को आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो, कोई सजेशन है, देन आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें एंड मैं कोशिश करूँगी कि वो टॉपिक इस चैनल पर आ सके। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए हमें क्या पता चलता है। फाइव ऑफ वैंड्स, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। यहाँ पे है आप लोगों के लिए रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, न्यू बिगनिंग्स। बॉटम में है आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, प्रॉस्पेरिटी बिगेन्स, इंट्यूशन एंड ट्रुथ। तो ऑप्शन नंबर 3, ये जो पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो उस टाइम पे आपके लाइफ का एक अच्छा फेज चल रहा होगा, ठीक है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है, तो ऐसा हो सकता है उस टाइम पे आपको कुछ चीज़ें अचीव हो रही है, मे बी आपको कोई अवार्ड मिला है, ओके आपकी प्रमोशन हुई है एंड आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन, लोगों की तारीफें मिल रही है एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है लोगों का, ठीक है। जैसे आपने बहुत बड़ा काम किया तो उसके लिए काफ़ी लोगों से आपको अटेंशन मिलना, मान लो किसी एग्ज़ाम को टॉप किया हो या बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है, कुछ भी वैसा हो सकता है, ठीक है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, मेहनत की है उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस मुझे बता रहे हैं कि जैसे आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही होगी, वो चीज़ें खत्म हो गई होंगी। नाइन ऑफ वैंड्स, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपने हिम्मत दिखाई, ठीक है, आपने गिव अप नहीं किया एंड उस चीज़ को आप ओवरकम कर रहे हो एंड उस चीज़ का रिजल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे कोई चैलेंज है और आपने स्ट्रेंथ दिखाई इस सिचुएशन में एंड फाइनली आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिल रहा है, यू आर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर समथिंग एंड आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो उस टाइम पे, ठीक है। एंड लिटरली कुछ लोगों को हो सकता है आपको किसी तरह का अवार्ड मिला हो, ठीक है, कोई ट्रॉफी मिली हो, कोई मेडल मिला हो एंड यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, तो आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई जर्नी वो शुरुआत हो रही है, ठीक है। आपका कोई बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत बड़ी सक्सेस हाथ लगी है, ओके आप किसी तरह का ट्रैवल कर रहे हो, किसी वर्ल्ड टूर पे गए हो, ओके आपने कुछ जीता है, वो सभी पॉसिबिलिटीज़, मतलब इस तरह की पॉसिबिलिटी होगी आपके लाइफ में, ये इवेंट्स हो रहे होंगे, देन ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। और मंथ जो इम्पॉर्टेंट है वो मंथ ऑफ मे, मंथ ऑफ, फॉर सम ऑफ यू, यू कैन मीट दिस पर्सन इन द मंथ ऑफ मार्च, ओके मार्च के महीने में आप इस पर्सन से मिल सकते हो। चलिए और देखते हैं हमें क्या पता चलता है, ठीक है। थ्री ऑफ वैंड्स, पार्टनरशिप एंड अलायंस, एक्सीलरेटेड मोशन। बॉटम में भी ट्रायंफ का कार्ड है, ओके हो सकता है कि आप कहीं पे गए हुए हो, ठीक है, और वहाँ पर आपको किसी तरह का अवार्ड मिल रहा है, ओके आपने किसी के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप की हुई है, आपके फ्रेंड के साथ आप कोई काम करते हो या कुछ स्टार्ट किया है आपने, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल रही होगी, एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है, ओके तो उस फेज में ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जब आपकी कुछ रुके हुए काम बन रहे होंगे, कोई चैलेंज उससे बाहर निकल गए होंगे एंड उस चीज़ के लिए आपको काफ़ी तारीफ मिल रही होगी, ठीक है, वो यहाँ पे नज़र आता है। आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया है उस पर, वाओ उस पर भी मैसेज है ट्रांसफॉर्मेशन का, ओके
सो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे होंगे. योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज़ अबाउट टू डिपेंड लव कंकर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स. ओके, आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि आपकी रिलेशनशिप जो है ना वो धीरे धीरे डीप होगी, गहरी होगी, और हो सकता है आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस है. ठीक है, आगे हम देखिए कि ये मैरिज, अरेंज मैरिज हो रही है, लव मैरिज हो रही है, कैसी जर्नी है. ठीक है, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोगों के बीच में थोड़े से डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट आपका जो प्यार होगा ना, आप दोनों का प्यार, वो जो है वो सभी चीज़ों को दूर कर देगा एंड आपकी रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, बदलाव आएगा और आपकी कनेक्शन और भी ज़्यादा डीप हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ें बताई जा रही है. ये कनेक्शन एक पैशनेट कनेक्शन होगा. ओके, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचोगे, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाना. ठीक है, कनेक्शन को लेके वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है. लेट्स सी ये पर्सन आपके लाइफ में क्या लेके आएंगे. ठीक है, ये पर्सन दूसरे स्टेट कंट्री से भी हो सकते हैं, काफ़ी दूरियाँ रहेगी आप दोनों के बीच में, फिजिकल डिस्टेंस. ठीक है, ये पर्सन आपके लाइफ में क्या लेके आएंगे. क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, ओके, यहाँ पे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स है. होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून. योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस. ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आप और आपके जो स्पाउस होंगे वो पर्सन और आप मिलके कोई काम करोगे. ठीक है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स है, ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं. इट मीन्स दैट आप दोनों मिलके कोई काम करने वाले हो. ठीक है, आपके जो ड्रीम्स हैं में भी आप प्रैक्टिकली उस पर वर्क नहीं कर पाते हो. ओके, एंड हो सकता है इस पर्सन का कोई बिजनेस है, कोई काम है, एंड आप दोनों मिलके उस चीज़ पर वर्क कर रहे हो. ठीक है, सो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है. एंड हो सकता है आप दोनों पर्सन का ड्रीम एक है, आप दोनों एक जैसे सपने देखते हो, आप दोनों का एक गोल है, तो आप दोनों मिलके उस चीज़ पे वर्क कर रहे हो. इवन ऐसा हो सकता है कि आप कोई और जॉब कर रहे हैं एंड दूसरी साइड से आप इस पर्सन की भी हेल्प कर रहे हो काम में, इनके साथ भी आप काम के लिए एसोसिएट, काम के लिए जुड़ गए हो एंड आप दोनों मिलके किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है. ठीक है, तो आपके स्पाउस के साथ आपका मिलके काम रहेगा, आप उनके साथ काम करोगे. ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है. इवन दो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, इवन इन दैट केस आप दो काम करोगे, जैसे अपने जॉब को भी कर रहे हो और जब आपको टाइम मिल रहा है इस पर्सन को भी इनके काम में सपोर्ट कर रहे हो. ये पर्सन चाहेंगे कि आप इनको सपोर्ट करो इनके काम में. ओके, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है. लेट्स सी व्हाट एल्स यहाँ पे और क्या पता चलता है. नाइन ऑफ वैंड्स, ओके, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स. आपकी कनेक्शन में आपके फ्रेंड्स की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प किए जाएंगे. ठीक है, किसी भी तरह से हो सकता है आपके दोस्त जो है ना आपकी शादी करवाने में बहुत मदद करेंगे, हो सकता है वो किसी भी तरह से करें. ठीक है, बट यहाँ पे दिखाया जा रहा है दैट आपके फ्रेंड्स दे विल हेल्प यू अलॉट एंड वो किसी तरह से हो सकता है जैसे गाइड करके हेल्प कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स को मनाने में हेल्प कर रहे हैं, वो चीज़ें हो सकती है. यहाँ पे नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपके स्पाउस जो है वो उनके अंदर नेवर गिविंग अप वाला एटीट्यूड होगा, वो किसी सिचुएशन में गिव अप नहीं करते हैं. ठीक है, एंड हो सकता है कि आपके जो स्पाउस होंगे वो थोड़े परेशान हो जाते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो स्पाउस है विद द कार्ड ऑफ फोर ऑफ सोर्ड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जैसे कि वेदर चेंज होती है तो उनको सर्दी जुकाम हो जाती है. ठीक है, तो आपकी चीज़ें उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, वो चीज़ें हो सकती हैं. लेट्स सी आपका जो कनेक्शन होगा इस पर्सन के साथ वो कैसा होगा. ठीक है, आपका और आपके स्पाउस का जो बॉन्डिंग होगा वो कैसा होगा. ट्रस्ट, ओके, ट्रस्ट का कार्ड है. लेट मी सी मोर आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ कैसा रहेगा.
यहाँ पे डिसरप्शन का कार्ड है, ठीक है, द टावर, ओके। तो ट्रस्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करेंट सिचुएशन, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म, ओके। तो आपकी कनेक्शन जो है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, आप दोनों के बीच में डिफरेंस होंगे। यहाँ पे डिसरप्शन है, टावर का कार्ड है, तो हो सकता है दूरियाँ है, ओके, बट आई कैन सी दैट देयर विल बी सम काइंड ऑफ डिफरेंस एंड वो एक चैलेंज होगा। यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपको और इस पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक दूसरे को। कुछ सिचुएशन ऐसी रहेगी जहाँ पर एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ओके। एंड ट्रस्ट का कार्ड है, तो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा इस पर्सन पे, इस कनेक्शन पे, ठीक है। एंड यस, हो सकता है इनकी फैमिली मेम्बर्स हो या कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स हो, उनकी वजह से नाराज़गी रहेगी या मानेंगे नहीं, ठीक है। तो बट आप दोनों का ट्रस्ट बना रहेगा एक दूसरे के ऊपर, ओके। सो फैमिली में भी कुछ हो सकता है, डिफ़िकल्टीज है, लाइक आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही इस पर्सन को, इस पर्सन की फैमिली, किसी भी तरह की चैलेंज हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही है कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ चैलेंज, डिफरेंसेस की वजह से होंगे वो, कास्ट कम्युनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट आपको ट्रस्ट बना के रखना होगा इस कनेक्शन पे, ठीक है, और आप दोनों के बीच में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होगा। लेट मी सी कि आपकी शादी जो है ना वो अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। ऑप्शन नंबर 3, आई एम रियली गेटिंग अ डिफरेंट मैसेज। थोड़ा डिफरेंट मैसेज आप लोगों के लिए दिखाया जा रहा है, वो ऐसा है कि ये जो पर्सन है ना वो आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, और ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, या ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको किसी मैट्रिमोनियल साइट पे मिल रहे हैं एंड आपकी जान पहचान हो रही है, या फिर आपकी फैमिली को डायरेक्टली ये पर्सन मिल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आपको ये पसंद करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। बट उस टाइम पे आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, ठीक है, बट ये पर्सन हो सकता है आपके कोई सीक्रेट एडमायरर है, या आपको कहीं देखा, या आपके बारे में किसी से सुना, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन लाइक कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट ये पर्सन आपके घर पे आ रहे हैं या आपको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे आप इस पर्सन को जान रहे हो, समझ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं तो मुझे यहाँ पे फैमिली की डिफरेंसेस दिख रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो लोग होंगे जो आपकी कनेक्शन को अप्रूवल नहीं देंगे, इवन फर्स्ट टाइम पे ऐसा होगा कि आप भी उस कनेक्शन को लेके काफ़ी कंफ्यूज हो, इस पर्सन को लेके काफ़ी कंफ्यूज हो, बट ये पर्सन जो है ना आपकी कनेक्शन पे गिव अप नहीं करेंगे। तो इस तरह की कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी मैरिज, जहाँ पर ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, ये आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपकी फैमिली से मिल रहे हैं, ओके, एंड उस टाइम पे आप नहीं जान रहे उस पर्सन को, एंड फिर भी ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, विच इज़ अ बिट डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेज जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए और भी देख लेते हैं हमें क्या समझ आ रहा है, क्या दिए जा रहे हैं मैसेजेस। डिस्कॉर्ड अमॉन्ग फ्रेंड्स और फैमिली, ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज है डिस्कॉर्ड अमॉन्ग फ्रेंड्स और फैमिली। तो इस कनेक्शन का आना आपके लाइफ में ऐसा होगा कि फैमिली थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि क्या करे, ठीक है, एंड इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। फैमिली विशेस कम ट्रू, ओके, थोड़े टाइम के बाद में भी रियलाइज हो आपकी फैमिली को कि ये कनेक्शन अच्छा है, पता करे, हो सकता है नॉलेज इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ठीक है। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, तो ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, इस पर्सन को समझने में आपको और आपकी फैमिली दोनों को टाइम लगेगा, ठीक है। ग्रेट गुड फॉर्चून, आपके लिए लकी होंगे ये पर्सन, अच्छी पॉजिटिविटी लेके आएंगे, ठीक है। फोर लीफ क्लोवर है,
एंड कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, ठीक है? तो हो सकता है ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर हो पहले, एंड आफ्टर दैट आप दोनों की शादी हो रही है। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए दिखाया गया है ऑप्शन नंबर 3। लेट मी सी एंजल्स कार्ड्स से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन, ठीक है? तो आपके यहाँ पे भी पहला कार्ड है डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। इस पर्सन को लेके आपके और आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में थोड़े से लड़ाई झगड़े झंझट होंगे। आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी पीसफुली रिजॉल्व, सभी चीज़ें पीसफुली सॉल्व हो जाएंगी। एंड यहाँ पे डोंट स्टॉप का कार्ड आया है, सो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके? तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको लगे कि ये कनेक्शन नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपके फ्रेंड्स डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प करेंगे, मे बी आप उनसे हेल्प ले रहे हो एंड वो आपको हेल्प करेंगे इस कनेक्शन में। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपके लिए मैसेज है दैट चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन को आप चूज़ करो। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होगी, ठीक है? ये डिसीज़न आपको लेना होगा कि ये पर्सन आपके लाइफ में आए या ना आए। रिकंसिडर, आप बहुत सोचोगे एक बार, दो बार, तीन बार। एंड अपॉर्चुनिटी, ओके? एंड अपॉर्चुनिटी है तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी रहेगी। हेल्पफुल पीपल है, लोग आपकी मदद करेंगे, आपके फ्रेंड्स मदद करेंगे, आपकी फैमिली मदद करेगी, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है, ऑप्शन नंबर 3। दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, ये रीडिंग थी आपकी। आई होप सो रीडिंग आपको समझ में आई है, आपको अच्छी लगी है, मुझे बताएं ज़रूर। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले सो दैट आपको फ्यूचर में और भी रीडिंग्स मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।